इंग्लैंड में है टीम इंडिया के खिलाड़ियों को जान का खतरा, अब उठने लगे हैं इंग्लैंड की सुरक्षा पर भी सवाल। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको वीडियो में आगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया चौथे टेस्ट मैच को जीतकर 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ले तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी अगले आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का चौथा मैच ओवल के मैदान पर खेला जा रहा है। मैच के दौरान दूसरे दिन सुरक्षा घेरा टूटा और एक शख्स मैदान पर बेरोक टोक दौड़ता चलाया। इससे पहले लॉर्ड्स और लीड्स टेस्ट में भी जार्बो नाम का यह शख्स मैदान पर खिलाड़ियों के पास पहुंचने में कामयाब रहा था। इससे पहले हेडिंगले यानी लीड्स में मैच के दौरान मैदान पर घुसने के लिए जार्बो पर इंग्लिश काउंटी यॉर्कर्स ने आजीवन प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया। इंग्लैंड के भारतीय टीम को दौरे पर सुरक्षा से समझौता किया जा रहा है। सीरीज के दौरान तीसरी बार ऐसा हुआ जब कोई बाहर का आदमी बिना इजाजत चलते मैच के दौरान मैदान पर जा पहुंचा। ओवल टेस्ट के दूसरे दिन उमेश यादव जब पारी की 34वां ओवर कर रहे थे तभी जार्बो मैदान पर भागता हुआ पहुंचा। गेंदबाज को कुछ समझ में आता, इससे पहले ही जार्बो बल्लेबाजी कर रहे ओली पॉप की तरफ गेंद को उछाल चुके थे। जार्बो ने पिच तक जाने के बाद उसने गेंद भी फेंकी और इंग्लैंड के बल्लेबाज को धक्का दिया। विकेट कीपर बल्लेबाज जॉनी बेरेस्टो को जार्बो ने धक्का दिया जिससे वो बेहद घबरा गए। इंग्लिश बल्लेबाज दंग थे कि यह क्या हो रहा है। साथ ही भारतीय खिलाड़ी इस घटना को लेकर काफी चिंतित दिखे। यह टीम इंडिया ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मैच की सुरक्षा को लेकर भी बहुत बड़ा सवाल है। सोचने की बात यह है, एक सीरीज के दौरान 3 अलग अलग आयोजन स्थल पर एक ही शख्स कैसे बार बार मैदान पर खिलाड़ियों के बीच जा पहुंचता है। सोचने की बात यह भी है कि अगर उसके हाथ में गेंद की जगह कोई विस्फोटक सामान होता तो क्या होता। दोस्तों आप इस पर अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी ही और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।